नीट 2024 पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है? मनी कंट्रोल के मुताबिक नीट सुनवाई 2024, सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को इस मामले में पूरा खुलासा करने का निर्देश दिया। लीक की प्रकृति और दायरे के बारे में, जिसमें विशिष्ट स्थान और लीक की घटना और परीक्षा के बीच का समय अंतराल शामिल है, एनटीए को उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर स्पष्टीकरण प्रदान करना आवश्यक है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं नीट काउंसलिंग के लिए योग्य हूँ? बायजूस के मुताबिक जिन अभ्यर्थियों ने न्यूनतम योग्यता प्रतिशत प्राप्त करके कट ऑफ पार कर नीट उत्तीर्ण की है, वे नीट काउंसलिंग में भाग लेने के पात्र हैं।